देखिए, एक तो मैं आपकी उस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि जिसमें आप उनको बाबा रामदेव कहते हैं, वो लाला रामदेव। लाला जी ने अपना बयान दिया है और लाला जी ने कहा है कि एलोपैथ किसी काम का नहीं है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जिस समय लाला जी बीमार हुए थे तो सबसे पहले एलोपैथ की शरण में गए थे। और इस कोरोना महामारी में मैं आयुर्वेद और एलोपैथ को कहीं एक साथ नहीं जोड़ रहा हूँ, ना उनका कहीं कोई तुलना कर रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद अपने आप में एक बहुत लंबा आयुर्वेद का इतिहास है। और रामदेव के आने से ना योग आया है ना आयुर्वेद आया है, रामदेव के आने से केवल उनकी पतंजलि जो साइकिल में चलने वाला बाबा आज चार्टर्ड प्लेनों में जा रहा है, एक छोटी सी कंपनी जो आज अरबों खरबों का काम कर रही है, उसका कारण है कि रामदेव ने उसको सरकारों के साथ मिलकर इस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचा और एलोपैथ को बदनाम करने का वो काम कर रहे हैं। और आज अगर इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार से हजारों हजार डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा कर भी इस मानव धर्म की सेवा की है, और आज हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से आज डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल हमारे स्टाफ काम कर रहा है और एलोपैथ अपनी जगह पर काम कर रहा है। और इस कोरोना से लड़ने के लिए हम आयुर्वेद और एलोपैथ की तुलना नहीं कर सकते। रामदेव केवल अपना बनिया की दुकान चलाने के लिए, अपने उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए आज एलोपैथ को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस फर्जी बाबा और इस लाला रामदेव के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री का कठोर बयान आना चाहिए था, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था। अभी तक मुकदमा क्यों नहीं किया, ये आश्चर्य की बात है कि बाबा रामदेव जिसको वो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।